बड़ी खबर, यूक्रेन के फ्रंट लाइन में रूस का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। क्यूबा ड्रोन से हमला कर रही है रूसी सेना। रूसी अखबार इज़्वेस्टिया का ये बहुत बड़ा दावा, रूस के एबॉन फोर्स ने किया क्यूबा ड्रोन से बड़ा हमला। स्पाई ड्रोन से टारगेट सेट किया गया, क्यूबा से अटैक किया गया। Наделало столько шума на Украине в последнее время. В щепки, блин, даже противника и уничтожать технику. Наблюдаю живую силу противника в количестве 20 человек и 5 единиц техники. जी हाँ, तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्या अब बदल गया है, वॉर मोड ड्रोन एक्टिव हो गया है क्या, और इसके लिए अब पुतिन क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो ब्लैक सी में बड़ा अटैक हुआ है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है और इस गुस्से का खामियाजा यूक्रेन को भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि पुतिन ये जानते हैं कि अकेले यूक्रेन इन हमलों के पीछे, इन साजिशों के पीछे नहीं है, बल्कि अगर उसका कोई साथ दे रहा है तो वो अमेरिका और पश्चिमी देश। लेकिन क्यूबा ड्रोन को लेकर के जो बड़ी जानकारी है उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। बदल गया है वॉर का मोड, ड्रोन अटैक भी हो रहा है, विक्ट्री कोड क्या है। देखिए, क्यूबा ड्रोन को KUBBLA भी कहते हैं और साथ ही 3 किलो इसका वजन होता है और ड्रोन के पंखों का फैलाव है 1.2 मीटर का। क्यूबा ड्रोन की खासियत आपको हम बता रहे हैं, दरअसल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। और इसकी खासियत क्या है, खासियत ये साइलेंट ऑपरेशन को अंजाम देता है। स्टील्थ डिजाइन है, AI से ये लैस है और छोटे टारगेट पर भी ये घातक हमला कर सकता है। यानी कि एक बार क्यूबा ड्रोन के टारगेट पर कोई आया तो फिर उसका बचना नामुमकिन सा है। विस्फोटक के साथ टारगेट को ये हिट करता है। क्यूबा ड्रोन की